Hello friends, welcome once again in my YouTube channel of Biology Concepts. So as you all know, we are discussing our video series for class 10th students. So this video series is very useful for board exam students that is postponed in ICSE board. So keep watching my videos. I am posting all the important topics related to class 10. In this video, we are going to discuss about a comparative chart of diffusion and osmosis. So what happens in diffusion? Diffusion में होगा especially हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर diffusion में especially random और spontaneous movement होगा. Random and spontaneous movement. Liquids का होगा of liquids और gases का भी हो सकता है. हालांकि हम लोग diffusion ऑस्मोसिस डिटेल में पढ़ चुके हैं सेपरेट वीडियोस में, फिर भी मैं यहाँ पे एक कंपैरेटिव चार्ट बना रही हूँ. एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, अगर हम लोग ऑस्मोसिस की बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनरली यहाँ पे मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, from one region to another. यहाँ पे basically हम लोगों ने ये point discuss कर चुके हैं पहले भी कि molecules का movement होगा from higher concentration to lower concentration. Higher से lower concentration की ओर molecules का movement होगा. यहाँ पे चूंकि हम लोग molecules की बात कर रहे हैं मूवमेंट वाटर की, तो हम यहाँ पे ऐसा कर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा वो डाइल्यूट, क्योंकि हम लोग वाटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग सॉल्यूट की बात कर रहे थे, यहाँ पे डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होने वाला है. ठीक है, दूसरी बात ये है, हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे नेक्स्ट ये लिख सकते हैं डिफ्यूजन में कि डिफ्यूजन विदाउट बैरियर काम करेगा, विदाउट बैरियर occurs without barrier, आप ऐसा कह सकते हैं. और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे मेम्ब्रेन होगी तो मेम्ब्रेन कैसी होगी, परमिएबल होगी या फिर आप फुल्ली परमिएबल बोल सकते हैं. जबकि यहाँ पे हम लोग वही पॉइंट लिखते हैं SPM, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अच्छा, हम लोग अगर एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नो एनर्जी इज नीडेड. यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है समटाइम्स, ऑल्दो ऐसा नहीं कहेंगे कि एनर्जी की एब्सेंस में नहीं हो पाएगी ये प्रोसेस, लेकिन एनर्जी जनरली जनरली टर्म आप लगा सकते हैं, जनरली इट इज रिक्वायर्ड. हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लिखेंगे कि एनर्जी इज मस्ट रिक्वायर्ड, वो हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. तो चलिए लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये बहुत ही वेरी रैपिड प्रोसेस है. ठीक है, मैंने आपको जो डिफ्यूजन का एक वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया भी था, जो डिफ्यूजन गैसेस में होता है बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू डिफ्यूजन इन लिक्विड्स. ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे एक बताना चाहूंगी कि डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस इन साइटोप्लाज्म में जो डिफ्यूजन होता है सब्सटेंसेस का, या डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर, सॉल्ट्स का वाटर में जो डिफ्यूजन होगा वो भी डिफ्यूजन का ही एग्जाम्पल. यहाँ पे अगर हम लोग ऑस्मोसिस की बात करें तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो डिफ्यूजन के कंपेरिजन में ऑस्मोसिस एक स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस कंपेरेटिवली लगा लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे. और एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम वन सेल टू अनदर इन प्लांट्स, फ्रॉम वन सेल टू अनदर. तो स्टूडेंट्स, ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के रिगार्डिंग. हालांकि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है अपना ऑस्मोसिस डिफ्यूजन पे, और मैंने एक सेपरेट वीडियो एंड ऑस्मोसिस एक्स ऑस्मोसिस पे भी बनाया जो कि टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में आएगा, तो वो सेपरेट वीडियोस आप देख सकते हैं. ये सिर्फ कंपेरेटिव चार्ट है, कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि गिव एनी टू पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तो ये कंपेरेटिव चार्ट आपके लिए काफी यूजफुल रहे. अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा स्टूडेंट्स होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
रिएक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम ज्यादा फोकस करेंगे, उसके बाद हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। हालांकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये सब डिफ्यूजन वगैरह पैसिव ट्रांसपोर्ट के ही एग्जांपल्स हैं। बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट उसको बोलते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई टू लो कंसेंट्रेशन तो हो और वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, ठीक है। और स्लो प्रोसेस होता है तो हम लोग पहले एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे वीडियो बनाएंगे, फिर सेपरेट वीडियो बनाएंगे एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कंपैरेटिव चार्ट बनाएंगे। तो इस वीडियो सीरीज पे आप बिल्कुल अपडेटेड रहिए, कीप वॉचिंग माई दिस वीडियो सीरीज। आई होप फ्रेंड्स दिस वीडियोज आर वेरी मच यूजफुल फॉर यू, सो कंटिन्यू वॉचिंग माई चैनल। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब राइट नाउ एंड प्लीज शेयर माई वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एज मोर पॉसिबल। सो आई होप फ्रेंड्स वी विल मीट सून, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय वंस अगेन।